एक तरफ जहां बॉलीवुड सेलेब्स आलिया भट्ट, बप्पी लहरी, संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर कोरोना से संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पूरे जोश के साथ काम पर वापसी करने जा रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फैंस के साथ ये बात शेयर की थी कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन ले लिया है। अब उनकी कोरोना वैक्सीन लेते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वे हॉस्पिटल के बेड पर बैठे नजर आ रहे हैं और डॉक्टर उन्हें वैक्सीन दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने वैक्सीन लेने के बाद एक ब्लॉग भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया था। अमिताभ ब्लॉग में लिखते हैं, मुझे वैक्सीन के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाया गया और फिर कुछ पेपर वर्क करवाए गए, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर नोट किया गया और वैक्सीन दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग आधे घंटे का वक्त लगा, फिर मैंने अपनी एक फोटो ली, आप भी फोटो ले सकते हैं। अमिताभ आगे लिखते हैं, मुझे 6 सप्ताह बाद फिर दूसरा डोज लेने के लिए आना होगा। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में ये भी बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, साथ ही फैन से आग्रह किया है कि समय गवाए बिना जल्दी हॉस्पिटल जाएं और वैक्सीन लें। ये वैक्सीन काफी रिसर्च करके बनाई गई है और पूरी तरह से सुरक्षित है। अमिताभ के वर्क फ्रेंड की बात करें तो उन्हें जल्द ही थ्रिलर फिल्म चेहरे में देखा जाएगा जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वे वकील की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में अमिताभ के अलावा इमरान हाशमी, क्रिस्टल डिसूजा, रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर के साथ और भी कई सितारे अहम भूमिका में नजर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल NBT Entertainment को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।